आज का हमारा डिस्कशन भारत इतिहास के उस समय पर आधारित रहेगा जिसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं। तो जो पूरा भारत का इतिहास है उसे हमने पांच पीरियड्स में बांट लिया है, एंशियंट हिस्ट्री, गोल्डन एज, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड और फ्रीडम स्ट्रगल। एंशियंट हिस्ट्री पे ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, आज का डिस्कशन गोल्डन एज पीरियड पर आधारित है। तो जो गोल्डन एज पीरियड था उस समय कौन कौन सी डायनेस्टीज हमारे देश में जिन्होंने रूल किया उसकी लिस्टिंग इस प्रकार से है। और सबसे पहले गुप्ता पीरियड आया, उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड और उसके बाद फिर अर्ली मेडिवल पीरियड। तो सामने जो आप चार्ट देख रहे हैं आपको इसे याद कर लेना है ताकि आपके बिल्कुल ध्यान में रहे कि कौन सी डायनेस्टी किस समय इंडिया में रूल कर रही थी। तो इससे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को याद करने में काफ़ी आसानी होती है। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्ता वन, और चंद्रगुप्ता वन के बाद आए समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनके कोर्ट पोएट का नाम था हरिसेना, जिन्होंने प्राज्ञा प्रसाती कंपोज की थी। और समुद्रगुप्ता के बाद आए चंद्रगुप्ता टू, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और उनके कोर्ट, उनके दरबारियों को नवरत्न भी कहा जाता था। और उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी का जो सेकेंड कैपिटल था उसे उज्जैन में स्थापित किया था। और उस समय चाइना से एक बुद्धिस्ट मॉन्क भारतवर्ष को जिन्होंने विजिट किया था, उनका नाम था फाहियान। और उनके बाद फिर आए कुमार गुप्ता वन, और उन्होंने नालंदा महावीरा बनवाया था। और फिर जो अंतिम गुप्ता शासक थे उनका नाम था स्कंद गुप्ता। इस समय सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब्स हुंस लगातार गुप्ता डायनेस्टी को अटैक कर रहे थे, जिससे गुप्ता डायनेस्टी काफ़ी वीक हो गई थी। और जब गुप्ता डायनेस्टी इंडिया को रूल कर रही थी उसी समय साउथ इंडिया में जो डायनेस्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उनका नाम था वकाटकास डायनेस्टी। और इनके जो रूलर्स थे उनके नाम थे विंध्याशक्ति, प्रवरसेना वन, रुद्रसेना वन, पृथ्वीसेना वन, रुद्रसेना टू। तो इनमें से प्रवरसेना वन जो एक काफ़ी, जिनका नाम काफ़ी हमेशा एग्जाम्स में आप सुनते रहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने चार अश्वमेघा यजना कराए थे। तो अक्सर ये सवाल आता है कि इनमें से किस शासक ने चार अश्वमेघा यजना कराए थे, तो जवाब होगा उसका प्रवरसेना वन। तो गुप्ता पीरियड जो था उस समय साइंस और लिटरेचर के एरिया में बहुत सिग्निफिकेंट काम हुए थे। तो ये जो आप यहाँ पे वो किए गए काम और कौन से स्कॉलर्स जिन्होंने ये काम किए थे उनकी लिस्टिंग है, कालिदासा, वराहमिहिरा, विष्णु शर्मा, आर्यभट्टा, भास्करा, वाघभट्टा, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्ता, वात्स्यायना। तो आपको ये सारे नाम और इनके द्वारा किए गए काम, इनकी इसको बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि ये सारे सवाल बिल्कुल एग्ज़ाम में, हर कंप्लीट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इस चार्ट में जितनी भी डिटेल दी हुई है इससे संबंधित सवाल आपको हमेशा मिलते ही मिलते हैं। गुप्ता पीरियड के बाद के समय को कहते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसमें जो डायनेस्टीज हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में जिन्होंने रूल किया वो थे वर्धना डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और पल्लवा डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी के फेमस जो रूलर्स थे वो थे पुष्याभूति, प्रभाकर वर्धना, राज्यवर्धना और हर्षवर्धना। और इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो शासक रहे वो थे हर्षवर्धना। तो इस शासन का जो कैपिटल था वो था कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। और इस समय ह्योंग शैंग नाम के दूसरे चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क ने हमारे भारतवर्ष को विजिट किया था। और हर्षवर्धना के समय ही कुंभ मेला की शुरुआत हुई थी हमारे देश में। और जो शुरुआत हुई थी वो प्रयाग में हुई थी, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल, जहाँ पे मेल होता है उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। और हर्षवर्धना को चालुक्य डायनेस्टी के शासक पुलकेसिन टू ने हराया था। और जो दूसरी एक सिग्निफिकेंट डायनेस्टी जिसने हमारे देश में रूल किया वो थे चालुक्य डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी थी इसका कैपिटल था वतापी बदामी बीजापुर में, जो कि कर्नाटका में है। और इसके फेमस शासक का नाम था पुलकेशिन टू।
ह्योंगशेंग जब भारत विजिट जब भारतवर्ष को उन्होंने विजिट किया था, तो वो चलो कह रहे हैं एसटी भी आए थे, और पुलकेशिन टू वो शासक थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और तमिलनाडु में जो डायनेस्टी जो रूल कर रही थी इस पोस्ट गुप्ता पीरियड के समय में, वो थी पल्लवा डायनेस्टी, और जिसके फेमस रूलर का नाम था नरसिम्हवर्मन। और इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी पर कब्जा कर लिया था, और इनका जो इन्फ्लुएंस था वो कम्बोडिया देश तक भी पहुंचा था। पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद आता है अर्ली मेडिवल पीरियड, और इस समय जो राजपूत रूलर्स थे उनका उनका हमारे भारतवर्ष में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड देखा गया। उन्होंने जो जो फेमस राजपूत रूलर जो उठकर आए थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जैचन गढ़वाल जिन्हें जैचन राठौड़ के नाम से भी जानते हैं, और मेवाड़ के शासक जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने मोहम्मद गौरी से के साथ जो युद्ध किया था, जिसे तराई का पहला युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और पृथ्वीराज चौहान ने उस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद जो सेकेंड युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था तराई का, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। और बैटल ऑफ चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दूसरे राजपूत शासक जैचन गढ़वाल को हरा दिया था। राणा खुम्बा जो मेवाड़ के शासक थे उन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था, और हराने के बाद फिर उन्होंने विजय स्तंभ स्थापित किया था, टावर ऑफ विक्ट्री और चित्तौड़ में। इसी समय जो अर्ली मेडिवल पीरियड था उस समय जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज शहर था उसे अपने कब्जे में लेने के लिए तीन डायनेस्टीज, तीन शासन ऐसे थे जो आपस में लगातार युद्ध में लगे हुए थे, वो थे पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। पालास डायनेस्टी बिहार में रूल कर रही थी, और इसके जो फेमस शासक थे वो थे गोपाला और धर्मपाला। प्रतिहारा डायनेस्टी गुजरात में रूल कर रही थी और उसके फेमस शासक थे मिहिर भोजा, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कर्नाटका में रूल कर रही थी और इसके जो फेमस शासक थे वो थे दंती दुर्ग, गोविंदा थ्री और अमोघ वर्षा। इसी समय अर्ली मेडिवल पीरियड में जो तमिलनाडु में जो जो शासन था वो था चोला एम्पायर का। इसके जो फेमस शासक थे वो थे विजयालया, राजा राजा और राजेंद्र वन। इनका कैपिटल था तंजौर में और गंगई कोंडा चोलापुरम में। और जो इनके जो बहुत फेमस राजा थे राजा राजा, उन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल जिसे राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। और इस डायनेस्टी जब थी चोला एम्पायर हमारे तमिलनाडु में जब इनका जब ये रूल कर रही थी, तो उस समय लिटरेचर के एरिया में बहुत सिग्निफिकेंट काम हुए थे। तो उनमें से कुछ फेमस नाम है कंबना जिन्होंने कंबना रामायण लिखी थी, और तमिल पोइट्री से संबंधित जो तमिल पोइट्री जेम्स जिन्हें कहते हैं वो भी इसी इसी शासन काल में तमिलनाडु में उन्होंने अपने काम किए थे, कम्बना, कुट्टना और पुगलेंडी। तो ये था एक बहुत ही समराइज्ड वर्जन, समराइज्ड डिस्कशन जो भारत इतिहास का जो गोल्डन पीरियड रहा, गोल्डन एज रहा उस पर, और इसके बाद जो सल्तनत पीरियड आया उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।